हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज का ये सेशन क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी मैंने इसके दो लेक्चर्स ले लिया है और उसमें हमने दो मेथड्स पढ़े थे एलिमिनेशन के। पहला एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट मेथड। आज के इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए गए हैं। साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है? साथ साथ, है ना। एक इक्वेशन यहां दिया गया है, एक इक्वेशन यहां दिया गया है। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और वहीं पर हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या देखना है हमें, जब ये पहला और दूसरा इक्वेशन दिया गया है तो इसमें हमें ये चेक करना है जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उसका जो कोफिशियंट है दोनों इक्वेशन में। जैसे मैं बोलूं एक्स का कोफिशियंट पहले इक्वेशन में a1 है और दूसरे इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट a2 है, वहीं पर पहले इक्वेशन में वाई का कोफिशियंट b1 है और y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में b2 है। तो हमें ये चेक करना है कि जो पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसका रेशियो a1 बाय a2 वो इक्वल नहीं होना चाहिए जो हम रेशियो निकालेंगे y के कोफिशिएंट का दोनों इक्वेशन का मिलाकर, है ना। जैसे b1 बाय b2 हमने निकाला, सपोज मान लो मेरा वैल्यू निकल गया 2 बाय, सपोज मान लो, है ना, कि b1 बाय b2 मैंने निकाला रेशियो, वो निकल गया 2। और वहीं पर जब मैं a1 बाई a2 निकालूंगा तो वो 2 नहीं आना चाहिए, है ना। a1 बाई a2 कुछ भी आए लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। अगर वो सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहां पर एक कंडीशन लिखा हुआ है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 नॉट इक्वल टू 0। ये सिचुएशन भी फॉलो करना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, जब हम इसका प्रूफ देखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा गया है, एक और स्टेटमेंट, कि अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जो यहां पर लिखा हुआ है, अगर ये दोनों इक्वेशन इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कर गए तो ये दोनों इक्वेशन मिलकर एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे। अब बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक मतलब होता है सिंगल, है ना। जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अभी आप इतना बस समझ लो कि यूनिक कहने का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, मतलब यहां पर जो वेरिएबल है एक्स और वाई उसका सिर्फ एक एक वैल्यू आएगा। जैसे पीछे हमने जो सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड, जैसे एक्स का एक वैल्यू आता था, वाई का एक वैल्यू आता था, वैसे ही यहां पर भी सॉल्व करने पर एक्स का एक वैल्यू आएगा और वाई का एक वैल्यू आएगा, वही यहां पर यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहां पर जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है पहला और दूसरा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो उसका जो मेथड है उसको लिखने का वे क्या है आप उसे एक बार समझ लें, उसके बाद ये मेथड बहुत इजी हो जाएगा। मतलब जितना भी टिपिकल क्वेश्चन आए ये मेथड इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर हमारे पास पहला इक्वेशन लिखा है, दूसरा इक्वेशन लिखा है। तो यहां पर जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जो मेथड फॉलो होगा वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले यहां पर एक्स लिख देना है, एक्स के नीचे कुछ लिखा हुआ है वो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। इक्वल टू माइनस वाई, याद रखना वाई नहीं माइनस वाई, ये एक मेथड है, ये एक मतलब क्या बोलते हैं कंडीशन की तरह है। आप ऐसे ही इसको सजाकर लिखेंगे जो ऊपर दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। हम इसका प्रूफ देखेंगे अभी, ठीक है। अभी आपको मैं समझा रहा हूं खाली, यहां पर माइनस वाई लिखा हुआ है और माइनस वाई के नीचे कुछ लिखा हुआ है, फिर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये आखिर लिखा कैसे है आप वो समझ लीजिए। जैसे यहां पर x लिखा है, जैसे ही यहां x लिखा है तो आप इस इक्वेशन में देखिए, है ना, दोनों इक्वेशन में जैसे हाँ जहां x है उसके कोफिशिएंट्स को छिपा लेना है। जहां जहां x लिखा है हमें उसके कोफिशिएंट्स को क्या करना है, छिपा लेना है। जैसे ही हम x के कोफिशिएंट्स को छिपा लेंगे तो बचा क्या, b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो वो इन दोनों कोफिशिएंट्स को क्या करना है, उठाकर x के नीचे रख देना है एज इट इज, b1 b2 b1 b2 c1 c2 c1 c2, है ना। यहां पर मिस्टेक हो गया, यहां पर c2 कर लेना है ना, चलो ठीक है। उसी तरह माइनस वाई लिखा हुआ है, जैसे वाई लिखा हुआ है
वैसे ही ध्यान देना है ना, जैसे y लिखा हुआ है वैसे ही हम क्या करेंगे, y के कोफिशियंट को छिपा लेंगे। जैसे ही हमने y के कोफिशियंट को छिपाया, अब बचा किसका, x का कोफिशियंट बचा और ये कांस्टेंट बचा ना, है ना। तो उसी तरह y के नीचे क्या लिख लेंगे, a1 a2 c1 c2, है ना। जो जो लिखा है ऊपर उसके कोफिशियंट को छिपा लेना है और जो रिमेनिंग दो बचा हुआ है हमें उसको लिख लेना है। यहाँ वन लिखा है, वन का मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएबल हमारे पास बचा नहीं क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर जैसे C1 C2 की बात की, सपोज अब इसको छिपा लो, जैसे हमने इसको छिपाया बचा क्या हमारे पास, x का कोफिशियंट और y का कोफिशियंट। एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ उतार लेंगे। x का कोफिशियंट कितना हो गया a1 a2, y का कोफिशियंट क्या होगा b1 b2। यहाँ क्या हो गया a1 a2 b1 b2, है ना। ये लिखना सीख गए, जब इसे लिखना सीख गए तो बहुत इजी हो गया अब सॉल्व करना। आप एक लाइन में इसका सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब करना ये है जब हमने इतना लिख लिया तो उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट पहले वाले से b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, समझो। ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने b1 से c2 को, और वहीं पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो बीच में एक माइनस का साइन रखना है। उसके बाद जब b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया तो बीच में एक माइनस का साइन आएगा। उसके बाद क्या हो गया, b2 को c1 से मल्टीप्लाई कर दो, या c1 को b2 से मल्टीप्लाई को फर्क नहीं पड़ता, है ना। b2 into c1 लिखो या c1 into b2 लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो माइनस b2 into c1, फिर वापस से इक्वल टू है, एज इट इज उतार लेंगे। माइनस हुआ है उतार लिया, जो रूल यहां फॉलो किया सेम टू सेम यहां फॉलो करेंगे। फिर से a1 into c2, यानी a1 से c2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यहां हमने मल्टीप्लाई किया था ना b1 से c2 को, है ना। उसी तरह क्या करेंगे, अब a1 से c2 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्या कर लिया a1 से c2। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में एक माइनस साइन लगाना है। बीच में हमने एक माइनस साइन लगा लिया, जैसे यहां पे माइनस साइन लगाया उसके बाद क्या बच गया, ये दोनों बच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे a2 into c1, ठीक है। उसी तरह अब यहां पर कांस्टेंट के लिए भी करना है। कांस्टेंट के लिए क्या होगा, इक्वल टू यहां था उतार लिया, वन का वन उतार लिया, सेम टू सेम एज इट इज a1 से b2 को, यानी a1 से b2, यानी इस तरह a1 से b2, यानी a1 से b2, है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें बीच में एक माइनस साइन लगाना है, माइनस साइन हमने लगा लिया। फिर अब जो बचा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, क्या बचा है a2 b1, यानी a2 into b1 यहां पर हमने लिख लिया। तो आप समझ गए इसको लिखना कैसे है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो जब हमने ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया तो यहां एक चीज ध्यान दो, यहां पर हर एक वैल्यू एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है। मतलब अगर हर वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, मतलब किसी को भी उठाकर हम किसी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। मतलब इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूं, इसको इसके बराबर लिख सकता हूं, इसको इसके बराबर लिख सकता हूं, इसको इसके बराबर या इसके बराबर कुछ भी कर सकते हो आप, नहीं। जब सब बराबर है तो किसी को भी किसी के बराबर कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं देखूं यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या क्या था, एक्स और वाई, और एक क्या है, एक कांस्टेंट। तो यहां हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, एक बार एक्स को इस कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा एक्स, और हम क्या करेंगे जब कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे तो वहां से हम इजिली, एक वेरिएबल है तो वहां से हम इजिली सॉल्व करके क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। हम वही काम y के साथ करेंगे, फिर y को हम इस कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर लेंगे। तो कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, वापस से जब इसको x के साथ इक्वेट करेंगे तो फिर हम इससे सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे निकाल लेते हैं। यहां पर लिखा है x का वैल्यू इतना और 1 बाय इतना, तो मतलब अगर मैं इसको इसके बराबर करूं, देखो जैसे मैं लिखा एक्स b1 into c2 minus b2 c1, है ना। x की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है ना, और यहां पर लिखा है 1 बाय a1 b2 minus a2 b1। ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये कांस्टेंट की वैल्यू लिखी हुई है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो सबको आता है, ये तो बच्चे वाली चीज है ना। तो एक्स वाई समथिंग इक्वल टू 1 बाय समथिंग, मतलब अगर मैं इस वैल्यू को ले जाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इतना अगर यहां चला गया तो इतना बाय इतना, वही लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके। यहां देखो
बी वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन से वो इतना ही हो जाएगा, तो वही चीज ऊपर आ गया और नीचे वाला डेनोमिनेटर एज इट इज वहीं रह गया। वहां से किसका वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, है ना। सिमिलरली हमको क्या करना है, माइनस वाई के लिए करना है, जो हमने एक्स के लिया वही वाई के लिए करना है ना, लेकिन यहां पर माइनस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस वाई के लिए सॉल्व करेंगे, जब हमारा वैल्यू आ जाएगा तो माइनस क्या करेंगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से माइनस खत्म और इधर से माइनस मल्टीप्लाई होके वैल्यू चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो देखो यहां पर वाई माइनस वाई की वैल्यू इतनी थी इक्वल टू वन बाय कॉन्स्टेंट की वैल्यू इतनी है, तो अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर मैं इधर लेकर जाके मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, ए वन इंटू सी टू माइनस ए टू इंटू सी वन, ये कहां चला गया, ऊपर चला गया, है ना। देखो वही यहां पर हुआ है, ए वन इंटू सी टू माइनस ए टू इंटू सी वन, और ये नीचे वाला वैल्यू नीचे ही रह गया, तो नीचे वाला वैल्यू कहां रह गया, नीचे ही रह गया, है ना। तो क्या हो गया, इतना बाय इतना, तो किसकी वैल्यू आ गई, माइनस वाई की वैल्यू आ गई, तो हमने माइनस वाई का वैल्यू यहां लिख लिया। अब मैं आपको बोला था हम क्या करेंगे, माइनस वाई का वैल्यू तो चाहिए नहीं हमें, हमें तो वैल्यू चाहिए वाई की, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई, तो यहाँ वाई पॉजिटिव हो गया, और इधर जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अब देखो ध्यान से, इसके आगे पॉजिटिव साइन था, इसके आगे नेगेटिव साइन था, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन के आगे आ गया, है ना, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ए टू इंटू सी वन आगे आ गया, और ये जो पॉजिटिव टर्म था इसे माइनस मल्टीप्लाई होकर ये पीछे चला गया, और वापस से जो डेनोमिनेटर में था एज इट इज डेनोमिनेटर में ही रह गया। होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये एक कंडीशन जो है a1 वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको क्या कहा था, इस कंडीशन को जब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं इस बात को, लेकिन फिर से मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस कर देता हूं। ध्यान दो, वो जो a1 वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो टर्म है वो डेनोमिनेटर में है, और डेनोमिनेटर में अगर कोई भी टर्म जीरो हो गया कंप्लीटली, अगर कंप्लीट जीरो आ गया डेनोमिनेटर के अंदर, तो इस बात को जान लो जो हमारा वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें तो वैल्यू निकालना है, और वैल्यू हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा, हमें पता ही नहीं है वैल्यू क्या है। इसीलिए यहां पर x में देखो जो डेनोमिनेटर है सेम एज इट इज, y के नीचे भी वही डेनोमिनेटर है, और यही कारण है कि डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को चले जाएगी, और ये y की वैल्यू भी इन्फिनिटी को चले जाएगी, और हमारा जो सॉल्यूशन चाहिए हमें, लीगल सॉल्यूशन हमें मिल नहीं पाएगा, ठीक है। होप सो अब आपको पता लग गया होगा। अब हम देखते हैं आगे इसका प्रूफ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हमने दो इक्वेशन लेट कर रखा है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब हम इसका प्रूफ करने के लिए कोफिशिएंट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हमें सपोज कोई बोलेगा मुझे x की वैल्यू निकाल कर दो, ठीक है, पहले x की वैल्यू निकाल कर दो, या कोई बोलेगा मुझे y की वैल्यू निकाल कर दो, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं पहले, चाहे x या चाहे y। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले x निकाल देता हूं, उसके बाद मैं आपको y निकाल कर दिखाता हूं, ठीक है। चलो यहां पर देखो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल x प्रेजेंट है और दोनों इक्वेशन में वेरिएबल y प्रेजेंट है, तो हमारे पास कोफिशिएंट मेथड में भी यही होता था। कोफिशिएंट मेथड में हम करते क्या थे, हम किसी वेरिएबल का अगर वैल्यू निकालना चाहते थे तो किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते थे, और एलिमिनेट करते कैसे थे, एलिमिनेट करते थे दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इक्वल बनाकर। तो वही काम अब हम यहां करेंगे। देखो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां पर मुझे y एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे y एलिमिनेट करना पड़ेगा तो ध्यान दो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है b1, और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है b2। तो अब देखो यहां पर अब इन दोनों को मैं बराबर कैसे बनाऊं, b1 का वैल्यू तो पता नहीं, b2 का वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन हाँ जब वैल्यू पता नहीं है लेकिन एक चीज तो दिख रहा है, अगर यहां पर b1 है यहां पर b2 है, लेकिन अगर यहां पर b1 b2 आ जाए दोनों, और यहां पर भी b1 b2 दोनों आ जाए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम करेंगे क्या, पहले इक्वेशन में अब हम
B2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन में हम B1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं फिर क्या करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, B2 से। एंड सेकेंड इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B1 से। थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही हम यहां पर B2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कितना हो जाएगा, A1 इंटू B2x। ठीक है, फिर यहां क्या हो जाएगा, प्लस B1 इंटू B2y। हो गया, फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C1 इंटू B2 इक्वल टू 0, है ना। अब ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। ठीक है, उसी तरह हम सेकंड इक्वेशन में B1 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं आगे, तो यहां पर जैसे ही B1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, A2 इंटू B1x, है ना। फिर यहां कितना हो जाएगा, B2 इंटू B1y इंटू B1 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, इक्वेशन 4। समझ में आ रहा होगा आपको, होप सो। अब देखो, जब हमने इतना कर लिया तो कोफिशिएंट मेथड में इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते थे या ऐड करते थे, है ना। वो तो हमारा सिचुएशन बताता था कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखो सारा कुछ पॉजिटिव है तो हमें क्या करना होगा, एक टर्म को नेगेटिव बनाना होगा। इसका मतलब हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, इट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इस कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 में थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे क्या होगा कि ऊपर वाला जो हमारा थर्ड इक्वेशन जो हमारा बना है वो तो पॉजिटिव टर्म में है और वहीं पे फोर्थ इक्वेशन में जैसे ही हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल तो है, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव बन जाएगा, तो ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, कैसे, इक्वेशन 4 से जो हमारा यहाँ है थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दो, इसके आगे पॉजिटिव साइन था, माइनस से मल्टीप्लाई होने पे पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। इसके आगे पॉजिटिव साइन था, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। इसके आगे पॉजिटिव साइन था, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो, एक्स और एक्स कॉमन दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही हमने कॉमन निकाला तो अब क्या बच गया, ऊपर वाले एक्स के पास क्या था, प्लस A1 इंटू B2, लिख देते हैं A1 इंटू B2, है ना। उसके बाद क्या है, प्लस, जब ये तो माइनस बन चुका है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस A2 इंटू B1, और एक्स तो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया है। अब ध्यान दो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, लेकिन साइन अब अपोजिट हो चुका है, इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये टर्म कैंसिल होगा, अब हमारा अगला टर्म क्या बचा, ये बचा। यहां देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है, खाली कांस्टेंट है, तो चलो डायरेक्टली लिख देते हैं। ऊपर वाला प्लस था तो क्या लिख देंगे, प्लस C1 इंटू B2। प्लस से अब ये माइनस बन गया तो क्या लिख देंगे, माइनस C2 इंटू B1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहिए मतलब इस कंप्लीट कांस्टेंट को हमको उस तरफ ले जाना होगा। जब हम इस कंप्लीट कांस्टेंट को उस तरफ लेकर चले जाएंगे और उसके बाद x के इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट कांस्टेंट को उस तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, चलो लेकर जाते हैं, x इंटू A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। अब क्या करो, इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाना है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो जो पॉजिटिव है हम उसे पहले लिख लेते हैं, तो उस तरफ जाने पर ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, C2 इंटू B1। अब ये पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव बन जाएगा, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे, कितना हो गया, माइनस C1 इंटू B2। इतना होप सो समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। अब देखो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कंप्लीट वैल्यू कितना हो गया, B1 इंटू C2, C2 इंटू B1 लिखो या B1 इंटू C2 लिखो फर्क नहीं पड़ता, है ना, मल्टीप्लाई है तो उतना ही होगा, B1 इंटू C2 माइनस
बी टू इंटू सी वन, है ना, सी वन इंटू बी टू लिखो या बी टू इंटू सी वन लिखो, बात वही रहेगा, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान देना, है ना, कितना हो गया, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय कितना, जो हमारा x का कोफिशियंट था वो अब नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, a1 वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन, इतना समझ में आ गया है, दिखा रहा हूं आपको, ध्यान दो, यहां पर x का वैल्यू कितना है, b1 वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, देखो b1 वन इंटू सी टू माइनस बी टू इंटू सी वन, फिर डेनोमिनेटर में देखो कितना है, a1 वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन, है ना, तो यहां पर भी देख लो a1 वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन, तो हमारा जो ये डेरिवेशन है, कैसे हमारा ये फॉर्मूला आया था पिछला वाला, वो हमें क्या हो गया, पता लग गया, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप ये डेरिवेशन तो ठीक है देख लो, आप मैं x के लिए निकाल लिया, आप सेम टू सेम ऐसा ही y के लिए निकालोगे, ठीक है, y में करना क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूं। यहां पर अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x को हटाना होगा, x को हटाना होगा मतलब x का कोफिशियंट क्या है, a1 पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में a2, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीटली a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां a1 है, हमें यहां a2 मिल जाएगा, तो a1 into a2 हो गया, और सेकेंड इक्वेशन को कंप्लीटली थ्रू आउट a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर a1 into a2 मिल जाएगा, तो ये टर्म कैंसल हो जाएगा ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसके बाद जैसे हमने x के लिए वैल्यू कैलकुलेट किया है एज इट इज y के लिए वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे आप, होप सो आप कर लोगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं इस फॉर्मूले को आप याद नहीं करो, ठीक है, जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है, जरूरी नहीं है इस फॉर्मूले को याद कर मगअप कर लिया, है ना, एग्जाम में कहीं भूल गए तो प्रॉब्लम करने में दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए आप इसे याद मत करना, आप समझ लो कि कैसे आ रहा है, मैं आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा तो हम जो बेसिक मेथड स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में ही, जो ये जो रूल जिस तरह से बता रहा था लिखने के लिए, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।